स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार, एमएस क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है बिहार एसएससी का 11098 सीट। ठीक है, 11098 सीट जो कि बहुत ही बड़ा सीट है भाई, बहुत ही बड़ा। आपको नहीं पता 2014-15 के बाद ये वैकेंसी वापस आया है, यानी कि 7 साल से 8 साल लगभग। ठीक है, लगभग 7 साल, उससे ज्यादा ही हुआ होगा ये वैकेंसी वापस आने में। तो आपको पूरा एड़ी चोटी एक कर देना है इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। दोबारा ये वैकेंसी अगला कितने साल के बाद आएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कुल 11098 पद है, यानी कि कह सकते हैं 11000 प्लस, इससे भी ज्यादा पद और भी हो सकता है। अभी और उसमें जुटेगा, कमेगा नहीं, जुटेगा ही, कमेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये और जो आज का इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में स्टार्ट हो रहा है। बैच अनाउंसमेंट के लिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। ठीक है, अब इतना बड़ा जो वैकेंसी आया है तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये इंटर पे आधारित है। इंटर जिसने भी पास किया है, थर्ड डिविजन भी है, पास है, वो सचिवालय में बैठ सकता है। ठीक है, बिहार एसएससी और कुछ नहीं, बिहार एसएससी जस्ट सचिवालय का जॉब है। सचिवालय में आप स्टाफ के पद पे जा सकते हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है भाई, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इसमें जीके जीएस बहुत कम है, सारा का सारा आपका क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आने वाला है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में मैं अब आपको बता दूं, इसमें क्या एज होना चाहिए, कितना सीट है, कितना किस डेट से किस डेट एग्जाम का डेट है, क्या है, कितना, कैसे कैसे, सब एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इसमें देखिएगा, सबसे पहली बात कि महिला के लिए 32% सीट आरक्षित किया गया है। जो महिला कैंडिडेट है, जो लड़की लोग है, जो इंटर पास की है या फिर ग्रेजुएशन पास करके वो बैठी है, तो घबराइए नहीं, आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं और आपके लिए सीट फिक्स है भाई, 32% सीट फिक्स है। तो सबसे बड़ी खुशी तो महिला के लिए है। ठीक है, हम लड़कों लोग के लिए तो कोई सीट आरक्षित है ही नहीं, हम लोग को तो ऑसी फाइट करना, लेकिन बाबू आपका जो सीट है आरक्षित है 32%, यानी 11098 के लिए अगर 32% हटा दे तो 3500 सीट आपका फिक्स है। ठीक है, आप इसके के लिए फाइट कर रहे हो तो सबसे बड़ी खुशी तो आपको। बाबू कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैथ रीजनिंग अगर आप स्ट्रांग करते हो तो आपको 85 से 80% क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, 80 से 85% क्वेश्चन आपका रिजर्व है। ठीक है, अब इसको भी मैं एक एक करके क्लियर करता हूं। एज लिमिट आपको बता दूं, लड़का हो या लड़की हो 18 वर्ष, ठीक है, मैक्सिमम 35, एससी एसटी के लिए और 5 साल जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि 35 से 36 एग्जैक्ट आप देखोगे इसके साइट पे मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम दो चरण में होगा। ठीक है, दो चरण में होगा एग्जाम, तो कैसे होगा देखिएगा। देखिए इसमें एग्जाम दो चरण में होगा। ठीक है, पीटी चरण 1 चरण 2 मेंस। अरे भाई कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ये टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये भी 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये पीटी हो गया, ये मेंस हो गया। इसमें आपको है ना 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा भाई। पीटी और मेंस दोनों में सेम चीज है, बस आपका एग्जाम अलग अलग है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब वही लेवल है, सब कुछ वही है, बस एग्जाम दो चरण में होगा क्योंकि धांधली को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, दो चरण में एग्जाम होगा। और वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, जो टाइपिंग भी जानते हैं उनके के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें वो सीट है जो टाइपिंग से रिलेटेड नहीं है, बाकी टाइपिंग वाला भी बहुत सारा वैकेंसी है और इसमें इंक्लूड है। हम वो अभी बता रहे हैं 11098 क्या है, जो इंटर पास है आराम से उसको भर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग खोजता है, और उसमें भी हिंदी हिंदी टाइपिंग जानने वाले के लिए और भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिमांड हिंदी टाइपिंग का है। ठीक है बाबू, चलिए ये चीज आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या क्या आने वाला है।
तो भाई टोटल मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसमें 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन आता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि करना क्या है इसमें। देखिएगा टोटल सिलेबस में टोटल क्वेश्चन 150, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन होने वाला है? रीजनिंग। क्यों? रीजनिंग पूरे में से 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, ठीक है। अब यहां समझिएगा, ये मैथ है अर्थमेटिक, तो इसमें मैंने अर्थमेटिक्स तो लिखा है, लेकिन आपको इसको दो भाग में बांट के समझो ऐसे। ये 30 नंबर में से आपको क्या करेगा, 5 प्लस 25, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से होगा, 5 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ से होगा, फिर से सुन लेना है, ठीक है। 50 रीजनिंग से, 30 मैथ से, टोटल मिला के 82 क्वेश्चन आने वाला है। अभी हुआ 30, हो सकता है एक क्वेश्चन घट जाए बढ़ जाए, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको 80 क्वेश्चन आने वाला है मैथ रीजनिंग से। उसमें भी 30 क्वेश्चन में से बांट दो, ठीक है। 5 मेंसुरेशन ले लो या एडवांस मैथ ले लो, जो भी हो, 25 आपका फिक्स है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर है ना, वो जो पिछले बार बिहार एसएससी दिए होंगे वो बेटर जान रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए है। अब यहां पर से 5 क्वेश्चन एडवांस में से कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। आप सबसे पहले तो गेस करके पढ़ना मत। अगर कोई, सुन लो, अगर कोई यूट्यूब चैनल पे बोलता है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर दो हम आपको पास करवाएंगे, तो भूल कर भी बाबू मत ज्वाइन कीजिएगा क्रैश कोर्स, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। 400, 500, 600 रुपए में क्रैश कोर्स देंगे और आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स के चक्कर में मत आओ। हम जो बैच स्टार्ट किया है फंडामेंटल, अभी भी टाइम है, पूरे के पूरे एडवांस से लेके अर्थमेटिक सब कंप्लीट। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे लाइव वीडियो जाके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सर, समझाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है, रीजनिंग और मैथ दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं आगे, ये हो गया रीजनिंग, हो गया अर्थमेटिक्स, हो गया मैथ, हो गया। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, ठीक है। अब साइंस से पूछेगा तो टोटल बच गया 45। 45 में कहा जाएगा जीके जीएस करेंट अफेयर, टोटल मिला के 45। हो सकता है ये 50 हो जाए, ये 20 हो जाए, क्लियर बाबू। आप ऐसा मत बोलोगे सर ये आपने लिखा है झूठ बोला, ऐसे नेट ये एग्जाम में तो ऐसा नहीं है। अरे भाई इसमें 2, 5, 3 इधर इधर हो सकता है, ठीक है। ये 25 नहीं 20 हो जाए, और ये हो सकता है 50 हो जाए, जिसमें से भी इसमें भी फिक्स है 50 या 45 जो भी पूछेगा उसमें 20 आपका करेंट अफेयर होगा, बाकी 30 बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि जीके होगा बिहार से रिलेटेड, जो भी जीके होगा उनसे रिलेटेड। अब तो ये बात कर दिए कि सिलेबस क्या है, ये 2 चरणों में होगा, पीटी और मेंस। पीटी में भी सेम होगा, मेंस में भी सेम होगा, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग अच्छा कर लिया ना बाबू, जीके कम भी है चलेगा, आपका रिजल्ट पहुंचा देगा, ठीक है। आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, 75-80 नंबर लाए आप, डेट मीन्स आराम से क्वालिफाई करोगे पीटी, ठीक है। फिर मेंस में भी यही काम करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने का डेट। फॉर्म भरने का डेट क्या है, 29/9/2023 से लेके आपका 11/11/2023 तक, यानी कि 2 महीना अभी भी आपके पास है ना। अभी 29 तारीख नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास है टाइम 29 से लेके, ये तो 2 महीना हुआ, और जैसे ही डेट एग्जाम भराएगा उसके 2 से 3 महीना और मान लो, यानी कि अभी टोटल मिला के 5 महीना के आसपास आपके पास टाइम है। इस 5 महीना में रीजनिंग को एकदम फाड़ देना है, रगड़ देना है, घिस घिस के एकदम, है ना, उसको गर्म कर देना है। इतना गर्म करना है भाई कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एकदम धुआं धुआं हो जाए, ठीक है। चलिए तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, मैथ के लिए भी आप हम पे आग मतलब आग बन करके भरोसा कर सकते हैं। पहले भी मैंने टीचर के लिए बैच दिया था, बहुत लोगों ने संतुष्ट होकर मेरे से डिमांड किया है, तो जाके मैं ये बैच के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि हमारा बैच कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास 9 p.m.
एम टू 11 पीएम हमेशा रात में चलेगा, 9 से 10 और 10 से 11, 9 से 10 मैथ और 10 से 11 रीजनिंग होगा, ठीक है। मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों आपका रिजल्ट पाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है ना, एसएससी जीडी इसका भी वैकेंसी आने वाला है, एसएससी जीडी का भी बहुत बड़ा मात्रा में वैकेंसी आने वाला है भाई, उसके के लिए मैथ रीजनिंग यही है। और तीसरी बात आपको एक और मैं बता दूं कि बीपीएससी बीपीएससी टीचर का 1.5 लाख जो वैकेंसी आया बाबू, उसमें भी मैथ रीजनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। जो लोग इसके के लिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं है ना, इतना लाख जो वैकेंसी आएगा ठीक है, इसमें 6 to 8 क्लास के लिए अगर वैसे स्टूडेंट 6 to 8 अगर वो सिलेक्ट किए हैं साइंस, तो उनको सिलेक्ट करना होगा मैथ प्लस साइंस, तो मैथ प्लस साइंस इसमें उनको 20 क्वेश्चन मैथ से होगा, और वैसे लोग जो 8 to 9 ठीक है, जो 8 to 9 सिलेक्ट किए होंगे उनके के लिए स्पेसिफिक मैथ सिलेक्ट किए होंगे मैथ में, तो उनको आएगा 80 क्वेश्चन। और मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं करना बाबू, एक तीर दो शिकार अगर आप इसके भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो पर भी मैथ का आपका तैयारी करोगे तो आपका एसएससी का भी तैयारी हो जाएगा, बिहार एसएससी, अगर बिहार एसएससी का मैथ रीजनिंग कर रहे हो तो आपका बीपीएससी टीचर का भी तैयारी होगा। तो बाबू अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसका भी वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, और बिहार एसएससी का भी वैकेंसी है, तो उम्मीद करते हैं बाबू है ना, 2-3 घंटा कम खाओ कम सो, लेकिन इस चीज की तैयारी कर दोनों, तो फिर ये 7 साल के बाद ये वैकेंसी फिर आएगा, क्योंकि पिछले 7 साल के बाद आया है, अगला फिर कब आएगा पता नहीं, तो आप इस चीज को जाने मत दो, इस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, मौका को जाने नहीं देना है, आपको ज्वाइन कर लेना है हमारी क्लास को। हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इसमें 8544302763 पे कॉल करना है, कॉल करके हमारे सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए बात करना है, या फिर व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, सर आपके सब्सक्रिप्शन को लेना है क्या करना होगा, तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, उसका बताऊंगा। और दूसरी कि ये बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, रात में 9 बजे हमेशा चलता है ठीक है, अगर आपको भी ज्वाइन करना तो अभी से ज्वाइन कर लेंगे, बेनिफिट में रहेंगे, ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर जैसे भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग, या एग्जाम का कैलेंडर अगर डिसाइड होता है कब डेट किस एग्जाम को, तो वो मैं फिर आके आपको बताऊंगा। चलिए थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब बनता है, ओके।